भैया सबसे ज्यादा चोरी होने का खतरा जो है वो इन गाड़ियों का। मतलब आप 20 लाख रुपए लगाओगे, गाड़ी खड़ी करके जाओगे, आके देखोगे भैया पहिए निकाल लिए। भाई साहब, भेड़ चाल के चक्कर में गलत गाड़ी मत खरीद लेना, ये वीडियो लास्ट तक देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए कौन सी गाड़ियां बनी हुई हैं। दवाई ना केमिस्ट से पूछ के नहीं ली जाती, दवाई जो है डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ली जाती है। बिल्कुल सही बात है। इन गाड़ियों पे 2.5 लाख रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, 4-4 लाख रुपए का डिस्काउंट किन गाड़ियों पे, भैया वीडियो लास्ट तक देख लो, पता चल जाएगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूँ नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भैया टॉप सेलिंग गाड़ियां लेने का सबसे बड़ा नुकसान आपको क्या देखने को मिलता है, और साथ में फायदा क्या मिलता है, फायदे क्या मिलते हैं टॉप सेलिंग कार्स के, यानी कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टॉप सेलिंग कार्स, क्यों आपको टॉप सेलिंग कार लेनी चाहिए, एंड बेसिकली जो वीडियो का मोटिव है कि क्यों नहीं लेनी चाहिए, और नुकसान सबसे बड़े टॉप सेलिंग गाड़ियों के क्या होते हैं। टॉप सेलिंग गाड़ियां मतलब एक पर्टिकुलर गाड़ी की बात नहीं कर रहे, हर सेगमेंट की टॉप सेलिंग, जैसे नीचे वाली सेगमेंट में पंच आती है, हैचबैक में बलिनो आती है, ऊपर वाली सेगमेंट की बात करें तो नेक्सन हो गई, ब्रेजा हो गई, और ऊपर जाए तो क्रेटा, सेल्टोस 700, सेल्टोस, फॉर्च्यूनर, मतलब जो अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा जो किंग है, किंग गाड़ी है, उजड़ी हुई रियासत के राजकुमार। लेने के फायदे क्या है और नुकसान क्या है, क्योंकि आप अगर गाड़ी प्लान कर रहे हो ना भैया, वीडियो बहुत काम आएगा, क्योंकि कई बार होता है दक्ष की बंदा सिर्फ टॉप सेलिंग गाड़ी को ही जाके देखता है और बुक करा देता है कि ये सारे ले रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो डिसीजन सही हो। तो सबसे पहले टॉप सेलिंग गाड़ियों के पॉजिटिव्स क्या है, यानी कि प्रोज, सबसे बड़ा प्रो एक टॉप सेलिंग गाड़ी लेने का कि भैया आप उस गाड़ी को 2 साल रखो या 15 साल रखो, आपको जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं होगा। उसका कारण क्या है कि भैया जब भी आप सड़क पे निकलोगे आपको सबसे ज्यादा वही गाड़ी दिखेगी, एंड आपके मन में वो चीज बैठ जाएगी कि भैया हर बंदा वही गाड़ी ले रहा है, दुनिया ले रही है, तो मैं पागल नहीं, मैंने सही मैंने गलत चीज नहीं ली है, मैंने सही चीज ली है। सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है। दूसरा पॉजिटिव दोस्तों, उसकी रीसेल वैल्यू कहीं ना कहीं आपको ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि वो गाड़ी ट्रेंड में है, मार्केट में उसकी डिमांड है, और नई गाड़ी जो बिक रही हो, सेकंड हैंड गाड़ी तो बहुत ही इजीली बिक जाती है, जैसे क्रेटा हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, कुछ गाड़ियों के लिए कहावत बनी हुई है कि भैया आधी रात को भी बिक जाएंगी। तीसरा पॉजिटिव दोस्तों ये है कि स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी बहुत इजीली मिल जाती है इन गाड़ियों की, मतलब चाहे कंपनी से कराओ चाहे बाहर से सर्विस कराओ, मतलब यूट्यूब से देख के सर्विस कर लो, घर पे खुद गाड़ी, इतनी ज्यादा उन गाड़ियों की चर्चा मार्केट में फैली होती है, हर लोकल मैकेनिक सर्विस करना जानता है, हर जगह आपको इंजन ऑयल मिल जाएगा, स्पेयर पार्ट मिल जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। बिल्कुल। अब आते हैं चौथे पॉजिटिव, चौथा पॉजिटिव टॉप सेलिंग गाड़ियों का ये है कि भैया हर बंदा टॉप मॉडल नहीं जो है लेता है, अगर आप नीचे के मॉडल भी ले रहे हो आपको आफ्टर मार्केट सारी एसेसरीज जो है टॉप सेलिंग गाड़ियों की मिल जाएंगी। करोल बाग ले जाओ, हर एरिया में करोल बाग जैसा एरिया होता है यार, जहाँ पे गाड़ियाँ बड़ी जल्दी मॉडिफाई हो जाती है, और टॉप सेलिंग गाड़ियों का सामान आफ्टर मार्केट में गाड़ी आते ही आ जाता है। भैया बेस मॉडल लेके 1-1.5 लाख, 2 लाख रुपए ऊपर लगा के भैया 1 लाख रुपए में गाड़ी टॉप बन जाती है, अप्रोक्सा कंचा बन जाती है। क्रेटा का बेस मॉडल उठाओ और उसको टॉप बना लो, हुंडई से ज्यादा सामान क्रेटा का आपको आफ्टर मार्केट में मिलेगा, महिंद्रा से ज्यादा सामान आफ्टर मार्केट में उसका मिलेगा, नेक्सॉन का सामान आफ्टर मार्केट में ज्यादा मिलेगा, कंपनी के पास नहीं है इतना सामान। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि नीचे का मॉडल ले रहे हो तो भैया सब कुछ बाहर से हो जाएगा। भैया ये तो थे कुछ टॉप सेलिंग गाड़ियों के पॉजिटिव, अब आ जाते हैं दोस्तों नेगेटिव्स पे कि ये गाड़ियां क्यों नहीं लेनी चाहिए, नुकसान क्या है। आपको ये पूरे प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए गाड़ी लेने से पहले, नहीं तो डिसीजन कई बार गलत हो जाता है, हम सिर्फ इन्हीं चक्करों में गाड़ी ना खरीद लें। सबसे बड़ा नेगेटिव दोस्तों टॉप सेलिंग गाड़ियों की चोरी सबसे ज्यादा होती है भैया, क्रेटा हो गई, फॉर्चुनर हो गई, 700 हो गई, ये जो मशहूर गाड़ियां हैं इनकी चोरियां भी बहुत जल्दी होती है, एंड भैया इनके पार्ट भी चोरी होते हैं, आपका पहिया ही चोरी कर लेते हैं लोग, पहिए निकाल के ले जाते हैं, हमने खुद देखा था एक हाई राइडर खड़ी हुई थी, पता नहीं ग्रैंड विटारा थी, बलिनो भी एक देखी जिसके पहिए गायब, चारों पहिए गायब, ईंट लगा के चले गए थे। तो दोस्तों ये देखो भाई क्या गाड़ी खड़ी है मेरे सामने, भाई किसी ने भाई चारों टायर जो है गाड़ी के चुरा लिए, ये देखो भाई जैसा कि आप देख सकते हो, ये देखो भाई चारों टायर जो है गाड़ी के कोई उतार के ले गया चोर, और गाड़ी ऐसे के ऐसे ईंट लगा के खड़ी कर दी है। ये मुझे लग रहा है बलिनो गाड़ी है पीछे से, दोस्तों आप अगर लुक देख के हो मुझे तो बलिनो लग रही है ये, कि भाई साहब गाड़ी कोई जितनी ज्यादा बिकती है सेकंड हैंड मार्केट में भी उतनी ज्यादा डिमांड रहती है, और चोर बाजार में भी उतनी ज्यादा डिमांड रहती है उसके पार्ट्स की। हाई राइडर गाड़ी घर के बाहर किसी ने पार्क करी थी, ये देखो भाई टायर निकाल के बंदा भाग के ले गया, कभी भी भाई ऐसी टॉप सेलिंग गाड़ी टायर
वो देखो भाई, इन लोगों को ये लग रहा हो कि ये स्टेपनी चेंज हो रही है भाई, सब दोनों टायर चोरी हो गए, नीचे ईंटों के सहारे गाड़ी खड़ी की हुई है। और ये हाई राइडर है टोयोटा की, ये देखो भाई टॉप सेलिंग गाड़ियों में आगे भी दिखा दे जरा, ये देखो भाई। तो गाड़ी चोरी बहुत जल्दी होती है क्योंकि टॉप सेलिंग गाड़ियों का स्पेयर पार्ट बहुत इजीली बिकता है, तो ये तो एक्स का सबसे बड़ा नेगेटिव ये जरूर माइंड में रखना। जैसे आपके पास नेक्सॉन है, क्रेटा है, भैया आंख बंद करके इनके पार्ट्स बाहर बिकेंगे। अगर आप ले रहे हो मैनुअल गाड़ी तो उसमें गियर लॉक जरूर लगवा लेना, बहुत ही जरूरी है, चोरी का खतरा भैया बहुत ज्यादा है। दूसरा इसका बहुत बड़ा नेगेटिव दोस्तों ये होता है कि हर दूसरी गाड़ी ही आपको मार्केट में सड़क पे वही दिखेगी, तो कुछ एक नयापन आपको नहीं नजर आएगा कि मेरे पास भी यार वही है जो सबने ली हुई है। जबकि ह्यूमन नेचर ये होती है कि जो मेरे पास चीज है ना वो दूसरे के पास ना हो। सही बात है, जो मैंने कपड़े पहने हैं, अगर आप देखो यार आपने एक टी शर्ट पहनी हुई है, पता चले यार एक चलता हुआ बंदा जा रहा है उसने भी वही टी शर्ट पहनी है, तो आप दोबारा वो टी शर्ट ही नहीं पहनोगे, तो आप वो गाड़ी कैसे चला सकते हो जो आपके आगे भी चल रही है और आपके पीछे भी चल रही है। दूसरी चीज कि भैया इसी से रिलेटेड है कि भैया आपके दोस्त यारों के पास भी वही गाड़ियां होंगी, आपके एम्प्लॉयज के पास भी वही गाड़ियां होंगी। एंड हमने जितना जैसे कार कंसल्टेंसी का भी काम है हमारा, तो हमने जो चीज नोटिस करी है तो लोग हमें कहते हैं कि भैया मुझे वो, हम उनको गाड़ी सजेस्ट करते हैं, वो बोलते हैं यार ये तो मेरे दोस्त के पास भी है, ये तो मुझे नहीं लेनी। डॉक्टर साहब का एक कॉल आया, मैंने कहा आपके कंपाउंडर के पास कौन सी गाड़ी है, कह रहे क्रेटा। मैंने कहा फिर आपने क्यों लेनी है क्रेटा, फर्क क्या रह गया। मतलब कई लोगों में ये चीज आ जाती है कि भैया मेरे रिश्तेदार पे वो गाड़ी है इसलिए मुझे वो गाड़ी तो नहीं लेनी, तो मतलब वही बात है, ये टॉप सेलिंग गाड़ियां आपको हर दूसरे घर में दिखेंगी। ये तो है इसका दूसरा नेगेटिव। अगला नेगेटिव टॉप सेलिंग गाड़ियों का कि भैया शुरू से अगर शुरू करें तो वेटिंग आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है टॉप सेलिंग गाड़ियों पे। अगला नेगेटिव दोस्तों, डिस्काउंट नहीं मिल पाता आसानी से, जब गाड़ी ऑलरेडी 4-6 महीने की वेटिंग में, उसमें टट्टू डिस्काउंट मिलेगा। ये बात तो है भैया, डिस्काउंट नहीं, गाड़ी स्टॉक में ही नहीं है तो डिस्काउंट किस बात का, ना आप मांग पाओगे डिस्काउंट उसके अंदर। हद से हद इंश्योरेंस में मिल सकता है ऐसी गाड़ियों में डिस्काउंट, इसके अलावा एक रुपए का डिस्काउंट नहीं देती है कंपनियां, क्योंकि उनको पता हमारी गाड़ी डिमांड में और कस्टमर भरा जा रहा भाई खरीदने के लिए। बिल्कुल सही बात है कि भैया डिस्काउंट नहीं मिलता आपको टॉप सेलिंग गाड़ियों पे। यार एक मुझे चीज बताओ, कोई भी चीज बिना बार्गेनिंग के खरीद के मजा क्या, कि आप कंपनी की शर्तों पे खरीद रहे हो, भैया चीज तो मैं अपनी शर्तों पे लूंगा, पैसे मैं दे रहा हूं, मैं कंपनी के हिसाब से क्यों चलूं। ऐसे में आपको उस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में भर भर के डिस्काउंट मिल सकते हैं, सिर्फ आपको ये चेक करना कि गाड़ी क्या स्टॉक में अवेलेबल है क्या डीलर के पास। यार जब हम बात करें दक्ष की, टाटा के डीलरों की, तो दिल्ली के अंदर ही 24 डीलर हैं टाटा के। हाँ बहुत सारे 24 डीलर हैं, और अगर पूरे दिल्ली एनसीआर को मिला दिया जाए तो लगभग 45 डीलर्स होंगे भाई, किसी के पास तो स्टॉक अवेलेबल होगा, कि साहब के पास ही वेटिंग चल रही है, ऐसा हो नहीं सकता, सारे मॉडल्स नहीं बिकते हैं गाड़ियों टॉप सेलिंग गाड़ियों पे। वो मनमानी तोड़ने के लिए आपको सेगमेंट के अंदर दूसरी गाड़ियां भी चेकआउट करनी चाहिए। अगला दोस्तों नेगेटिव टॉप सेलिंग गाड़ियों का, सर्विस के अंदर कहीं ना कहीं आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जब गाड़ी ऑलरेडी इतनी बिक रही है तो आप सोच सकते हो कि सर्विस सेंटर पे भी लाइनें लगी होंगी। बिल्कुल सही बात है, सर्विस कभी भी अच्छी प्रोवाइड नहीं कर सकती टॉप सेलिंग। अब जैसे अगर हम टाटा की बात करें तो भैया टाटा 50,000 गाड़ियां लगभग बेच रहे हैं, टाटा की आपने सर्विस में कितनी शिकायतें सुनी होंगी। बिल्कुल, मारुति लगभग 1.5 लाख गाड़ियां बेच रहा है महीने की, तो भैया एक बार सोच के देखो, इनकी 20,000 तो बलिनो ही बिक रही है, तो सर्विस में कितनी मतलब मारो मार मची होगी। अरे मारुति का तो भैया टंटा ये है ना कि बाजार में भी सर्विस हो जाती है, लेकिन आई बिलीव कि ब्रांड न्यू गाड़ी लेके बंदा शुरू में तो कंपनी से ही करवाएगा। बिल्कुल, एंड आप सोच के देखो कितनी भैया मारो मार उनके सर्विस सेंटरों में होगी। सर्विस हमेशा वही अच्छी प्रोवाइड कर सकता है भैया रेस्टोरेंट, जहाँ पे लिमिटेड रश होता है, नहीं जहाँ पे जिस रेस्टोरेंट पे ग्राहक ही बहुत ज्यादा है, पहली बात तो वहाँ पे आपको वेटिंग के बाद एंट्री मिलेगी, उसके बाद जब आप ऑर्डर करोगे तो भैया बहुत टाइम लगा के खाना आएगा, एंड वो क्वालिटी भी नहीं आ पाएगी बिकॉज रेस्टोरेंट के पास बहुत सारे ग्राहक और हैं सर्व करने के लिए। यार बेसिकली दोस्तों ये वीडियो बनाने का रीजन ये है कि हम लोगों को ना पता होना चाहिए कि हम जो चीज खरीद रहे हैं आंखों पे पट्टी डाल के ना खरीद लें, नॉलेज पूरी होनी चाहिए कि इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। थोड़ी सी R&D कर लोगे, घूम फिर लोगे, तो जो टॉप सेलिंग गाड़ियां है ना उससे ज्यादा बेटर गाड़ी मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगी आपको सस्ती में। दोस्तों अब चलते हैं वीडियो के कंक्लूजन के बारे में। देखो दोस्तों आज की डेट में कोई भी कार मेकर ऐसा नहीं है जो आपको बेकार या हल्की या कॉम्प्रोमाइज चीज प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज आज का दौर है भैया 2024 आ चुका है, इंटरनेट का दौर है, चीजें बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं। बिल्कुल, हर कंपनी आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रही है, चाहे बलिनो से लेके जितनी से महंगी गाड़ी ले लो, हर कंपनी की कोई USP है। MG की अगर हम बात करें तो MG की सेल्स काफी कम है, लेकिन भैया MG की गाड़ियां
बहुत ज्यादा सेफ है, बहुत ज्यादा प्रीमियम है, मतलब सर्विस भी दे रहे हैं अच्छी, बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, मतलब यूएसपी है गाड़ियों की। बिल्कुल बिल्कुल। फॉक्सवैगन स्कोडा की बात करें तो इनकी सेल्स काफी कम है, लेकिन इनकी ड्राइव क्वालिटी, इनकी सेफ्टी वो बहुत ज्यादा अच्छी है, इंजन बहुत अच्छे होते हैं। होंडा की बात करें सेल्स थोड़ी कम है, लेकिन होंडा जैसी रिलायबिलिटी कोई गाड़ी नहीं देती। तो मतलब कहने का ये कि हर कंपनी कुछ प्रोवाइड कर रही है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, तो एक बारी जरा उन गाड़ियों को भी देखो जो कि शायद आपकी कंसिडरेशन में भी नहीं है, जो कि कम सेलिंग है, जो कि बिकती कम है, इस वजह से आपने अपनी लिस्ट में भी नहीं रखी, लेकिन हो सकता है वही गाड़ी आपके लिए, आपके लिए। पूरी लिस्ट दोबारा से बना लेना और सारी गाड़ियों की एक बारी टेस्ट ड्राइव ले लेना। जितने में आप टॉप सेलिंग गाड़ी खरीद रहे हो उससे लाख, दो लाख, ढाई लाख रुपए सस्ती आपको उसी सेगमेंट की दूसरी गाड़ियां मिल सकती हैं, और हो सकता है वो उन गाड़ियों से ज्यादा आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर रही हो, उन गाड़ियों से ज्यादा फन टू ड्राइव गाड़ियां हो, उन गाड़ियों से ज्यादा फीचर्स भी हो। क्योंकि दोस्तों वी बिलीव कि देखो हर बंदा नहीं होता कि गाड़ी लेके दो चार साल में बेच जाए, बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो गाड़ियों को आठ दस साल मतलब लंबा रखते हैं। तो भैया अगर लंबा रख रहे हो तो एक बेटर चीज की खोज में जाओ ना यार, हो सकता है कोई चीज आपके लिए ज्यादा बेटर हो और आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हो। और यार कोई कंफ्यूजन हो तो ये स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है कि कौन सी गाड़ी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, तो इसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, स्लॉट बुक करवा के अपने ऑनलाइन पे भी जुड़ सकते हो। वो बिना स्लॉट बुक कराए हुए कॉल पे नहीं जुड़ो प्लीज दोस्तों, अपने आप कॉल मत मिलाया करो, व्हाट्सएप पे पहले मैसेज करो, नीड हो तो रिप्लाई जरूर आएगा आपको, और कोई ऐसा हमारा भाई नहीं होगा जो कमेंट में लिख के बता सके कि मुझे रिप्लाई नहीं आया आज तक। भैया रोज के कई सौ हजार मैसेज आते हैं, हर बंदे को रिप्लाई जाता, ये सिर्फ आप लोगों का इसके साथ प्यार है कि बिल्कुल रिप्लाई दिए जाते हैं, और जो कॉल पे जुड़ता स्लॉट बुक कराता उसके साथ कॉल पे भी बात की जाती है, और पीडीआई की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, उसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो एंड आपको लगभग समझ आ गया हो कि भैया आपको टॉप सेलिंग गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी, फायदे नुकसान दोनों बता दिए आपको, पता होना चाहिए यार। ये नहीं है कि आंखों पे अंधा कानून है भैया पट्टी बांध के चले गए कि भैया ये सबूत मिल चुका हमें कि गाड़ियां सड़क पे बहुत दिख रही हैं यही लेनी है हमने, नहीं लेनी है यार, बाकी गाड़ियों को भी कंसीडर करना है। अगर आपने बिना चलाए ले ली तो आप समझ लो कि रिश्ता आपने वो ढूंढ लिया जो लोगों के कहने पे फाइनल कर लिया आपने। भैया पैसा दे के चीज ले रहे हो, इस सिंपति में मत लेना कि भैया ये कंपनी इंडियन है ये कोरियन है ये जापानीज है। भैया ऐसा नहीं है कि कंपनी इंडियन है तो आपको दो लाख का डिस्काउंट दे रही है कि भैया हम भी इंडियन तुम भी इंडियन, तो ये डिस्काउंट भैया पैसा दे रहे हो। इंडियन कंपनी जो है वो फॉरेन के एक्टर्स के साथ जो है मॉडल्स के साथ एड बना रही होती है, और हमारी फीलिंग जुड़ी हुई है कि भाई इंडियन कंपनी इंडियन कंपनी, जरूर लो इंडियन कंपनी का माल, लेकिन भैया गाड़ी एक ऐसी इंजीनियरिंग है जो एक्सपर्ट है ना, गाड़ी हमेशा उसके ब्रांड की लेनी चाहिए। पैसा दे रहे हो भाई आप, ऑब्वियसली जब आपको उसी पैसे में अगर एक बेटर चीज मिल सकती है तो जाओ ना उसकी तरफ, एक बार देखने में क्या जा रहा है। बिल्कुल, देखने नहीं खाली चलाने ही है आपको गाड़ी, जब आपकी पूरी तसल्ली हो जाए तब लेना। और गाड़ी यार कोई भी बिक जाती है अगर अच्छी कंडीशन में रखी हो, दुल्हन वो जो पिया मन भाए, सीधी सीधी बात है, जो गाड़ी पसंद है ना वो लेनी है, भेड़ चाल में आके फंस मत जाना कि नीचे खड़ी हुई है हमने यही गाड़ी लेनी है, ओ भाई निकल के गई, ये भी क्रेटा वो भी क्रेटा ये भी क्रेटा। हम किसी गाड़ी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे भाई जो है सेगमेंट की सारी गाड़ियां चलाएं, चेक करें, अपनी चेकलिस्ट बनाए, फिर गाड़ी को लें। आपको टॉप सेलिंग गाड़ी लेनी है वही लो, लेकिन आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि भैया आपने सड़क पे देखी शोरूम गए वही गाड़ी ले ली। बिल्कुल यार, सारी गाड़ियां देखी। आप मुझे एक चीज बता दो यार, जाते जाते एक लास्ट आपको बात और बता देते हैं। आप कह रहे हो यार कि ये नहीं, जो टॉप सेलिंग गाड़ी है दक्ष उसके अंदर एक रुपए का डिस्काउंट नहीं होता, ठीक है, इंश्योरेंस को छोड़ के जो वेटिंग में होती है। अगर आपने टॉप सेलिंग वाली गाड़ी ना लेके ढाई लाख का डिस्काउंट किसी गाड़ी में ले लिया, ठीक है, अब पहले ही आपको ढाई लाख रुपए की कम पड़ गई गाड़ी यार, कल को जब वो बिकेगी दो ढाई तीन लाख के नुकसान में बिक जाएगी तो बात तो बराबर ही होगी ना यार। आप अगर सात आठ साल रखोगे आपको स्वाद कितना देगी, स्वाद कितना देगी वो गाड़ी। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, थैंक यू सो मच।